नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की नई योजना। 11वीं की विद्यार्थियों की प्रतिदिन उपस्थिति रिपोर्ट लेगा विभाग। बिहार में खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन। आज थम जाएगा छठे चरण का चुनाव प्रचार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कराएगा भोजन में माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा पर अध्ययन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की नई योजना। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार ने सूबे में 300 जगहों पर ई वाहनों की चार्जिंग स्टेशन की सुविधा जल्द ही प्रोवाइड कराने का फैसला लिया है। कतारबद्ध तरीके से सड़कों, NH, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, स्कूल और कॉलेजों सहित कार्यालय आदि जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बुधवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशनों की अधिक से अधिक स्थापना के लक्ष्य को लेकर बैठक की गई। बैठक में विभिन्न स्टेक होल्डर्स एवं कई कंपनियों के प्रतिनिधि ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मौजूदा समय में पेट्रोल पंप सहित अन्य जगहों पर कुल 300 से अधिक ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। आज थम जाएगा छठे चरण का चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव प्रचार आज गुरुवार शाम 6 बजे थम जाएगा। छठे चरण का मतदान देश भर में 25 मई को होना है। बिहार में छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज लोकसभा सीट शामिल है। सीवान लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं, जबकि अन्य 7 सीटों पर मुकाबला NDA और इंडिया गठबंधन के बीच है। सारण में इंटरनेट सेवा पर बैन की अवधि 2 दिन बढ़ी। बिहार के सारण जिले में हुए चुनावी हिंसा के बंद इंटरनेट सेवा पर बैन की अवधि को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 25 मई तक सारण जिले में इंटरनेट के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। तो वहीं छपरा में मतदान के दौरान हुए हिंसा और मतदान के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस ने RJD और BJP के 150 समर्थकों पर केस दर्ज किया है, जबकि BJP नेता रमाकांत सिंह और उनके भतीजे राम प्रताप सिंह को गोलीबारी के आरोप में जेल भेज दिया गया है। 11वीं की विद्यार्थियों की प्रतिदिन उपस्थिति रिपोर्ट लेगा विभाग। शिक्षा विभाग राज्य के सभी जिलों से 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिदिन रिपोर्ट लेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं। इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बुधवार को सभी जिला पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त रिपोर्ट भेजने के लिए हर जिले में एक पदाधिकारी को नामित किया जाए। आज से 26 मई तक पटना मरीन ड्राइव पर होगा ड्रोन शो। आज 23 मई से 26 मई तक प्रतिदिन 6:15 से पटना के मरीन ड्राइव पर ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इस प्रस्तुति में ड्रोन की विविध कलाकृतियों से आसमान में 200 फीट की ऊंचाई पर लगभग 300 मीटर की चौड़ाई में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। इस शो में पूर्ण रूप से भारत की कंपनियों द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर 1000 स्मॉल नैनो कैटेगरी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से बिहार में अब तक हुए विकास कार्यों और बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास को भी दर्शाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कराएगा भोजन में माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा पर अध्ययन। बुधवार को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रत्येक महीने आयोजित किए जाने वाले वैज्ञानिक व्याख्यान में बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डी के शुक्ला ने बताया है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की पहल पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड पर्यावरण में माइक्रो प्लास्टिक पर अध्ययन कराने और हमारे भोजन श्रृंखला में इसकी मात्रा का पता लगाएगी। माइक्रो प्लास्टिक हमारे भोजन श्रृंखला में शामिल होकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। उन्होंने बताया है कि हमारे भोजन में माइक्रो प्लास्टिक के अतिरिक्त आर्सेनिक, लेड, कैडमियम जैसी भारी धातुएं आ रही हैं, जो एक गंभीर समस्या का विषय है। भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती पर बोधगया में निकली भव्य शोभा यात्रा। हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। आज भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के मौके पर बोधगया में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा 80 फीट विशाल भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास से निकाली गई, जो कई मार्गों से होते हुए महाबोधि टेम्पल तक पहुँची। शोभा यात्रा में देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जो बुद्धम शरणम गच्छामि का जय घोष करते हुए चल रहे थे। साथ ही कई श्रद्धालुओं ने हाथों में पंचशील ध्वज भी ले रखा था। समस्तीपुर रेल डिवीजन में चलाया जा रहा टिकट चेकिंग अभियान। समस्तीपुर रेल डिवीजन में ट्रेन में सफर करने के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
बिना टिकट यात्रा करने वालों से 50 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक समस्तीपुर डिवीजन के समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा, बख्तियारपुर, रक्सौल, नरकटियागंज और सीतामढ़ी स्टेशनों पर यह अभियान चलाया गया। वहीं समस्तीपुर रेल डिवीजन प्रशासन के अनुसार आगे भी डिवीजन के विभिन्न रूटों पर इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किए नए नोटिस। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नया नोटिस जारी किया है। अब से शिक्षकों को सूची तैयार करना होगा कि अगले दिन वो विद्यालयों में बच्चों को क्या क्या पढ़ाएंगे और इसकी लिखित जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही छुट्टी के दिनों में कॉपियों की जाँच, साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन की कॉपियों की भी जाँच करनी होगी। सारण हिंसा मामले में रोहिणी आचार्य के खिलाफ केस दर्ज। सारण हिंसा कांड में आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रोहिणी आचार्य पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें थाने से नहीं बल्कि कोर्ट से ही जमानत मिल सकेगी। बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने रोहिणी के खिलाफ छपरा नगर थाने में हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया है। आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ धारा 307, 171 सी, 188 और आरओपी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आखिरी चरण का सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं बिहार के इलेक्शन वॉच द्वारा बुधवार को अंतिम चरण के 134 प्रत्याशियों की संपत्ति, उन पर दर्ज आपराधिक मामले और अन्य जानकारियों की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतिम चरण के 50 प्रत्याशी करोड़पति हैं, 30 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 26 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। रविशंकर के पास 40 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति है, तो वहीं दूसरे स्थान पर 23 करोड़ की संपत्ति के साथ पटना साहिब से नीरज कुमार हैं, जबकि काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह 17 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। 200 रैलियां पूरी होने पर तेजस्वी ने काटा केक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केक काटने का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे बता रहे हैं कि उनकी 200 रैलियां पूरी हो चुकी हैं और आज 5 सभाओं को जोड़कर कुल 205 रैलियां पूरी हो जाएंगी। तो वहीं तेजस्वी के केक का आइडिया कहां से मिला के सवाल पर सहनी कहते हैं कि विरोधियों को हमारी दोस्ती और भाईचारे को देखकर मिर्ची लगे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। पवन सिंह ने जारी किया वचन पत्र। भाजपा से बगावती तेवर अपनाने पर निष्कासित हो चुके और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने काराकाट के लिए वचन पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सांसद बनने के बाद वो काराकाट के लिए क्या क्या करेंगे। पवन सिंह ने अपने वचन पत्र में कहा है कि वो आईटी पार्क बनाएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। डालमिया नगर में बंद पड़ी फैक्ट्रियों का पुनः संचालन किया जाएगा और नए उद्योगों का विस्तार भी किया जाएगा। एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया जाएगा और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री का भी निर्माण किया जाएगा। परिवारवादी नेताओं की राजनीतिक जिम्मेदारी होगी जब्त, विजय सिन्हा का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विरोधी दलों पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि किसी भी चुनाव में कोई भी पार्टी या गठबंधन अपना रिपोर्ट कार्ड या अपना एजेंडा और अपना विजन आगे रखकर जनता के सामने जाती है, लेकिन इंडी अलायंस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जितने चेहरे उतने बोल की तर्ज पर हर पार्टी ने अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है। सिन्हा ने आगे कहा कि इंडी गठबंधन के लोगों को भी पता है कि आएंगे तो मोदी ही, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जनता से क्या बोलना है। तो कभी इन्हें संविधान खतरे में दिखता है तो कभी लोकतंत्र। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं की राजनीतिक जमींदारी जब्त होने वाली है। बिहार में खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार में खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी और साइकिलिंग का स्कूल से लेकर स्टेट लेवल तक आयोजन होगा। खेल विभाग के डीजी रविंद्र संकरण के अनुसार जून महीने से इंटर स्कूल से इसकी शुरुआत की जाएगी। ब्लॉक और जिला स्तरीय इवेंट जुलाई में होंगे, तो वहीं अगस्त महीने में स्टेट लेवल पर इवेंट होगा। बिहार के 38,000 सरकारी स्कूलों से 57,81,000 से अधिक खेल प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल पर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है।
जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है राजकिशोर महतो, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, मोहम्मद शफीक, नौशाद रजा, अमित कुमार, नवल किशोर झा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सरकारी विद्यालयों में अगले दिन क्या पढ़ाए जाएंगे, इसकी जानकारी शिक्षकों को एक दिन पहले ही देनी होगी। शिक्षा विभाग के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।